नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। चलिए तो फिर अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस ही चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है कि संख्या घट जाती है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन है निकिल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्रोमियम। यही क्रोमियम जो है जो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। जो ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन जो ज्वाला होता है वो कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। इसमें इसमें असम दिया है नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है किरमिजी लाल। यही जो है बुनसेन ज्वाला जो होता है किरमिजी लाल रंग प्रदान करता है। पांचवा क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का उच्च स्थान पर शून्य हो जाता है, शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस तब करता है जब अभिकेंद्र बल के समान होता है पृथ्वी का आकर्षण बल। इसका राइट आंसर सी होगा। छठवां क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ऑप्शन है लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातु से, और चौथा ऑप्शन है लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। तो आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक जो होता है वो एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। सातों के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, दूसरा ऑप्शन है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, और चौथा ऑप्शन है मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इनमें से कौन सी घटना सबसे पहली हुई है। तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा है, यही सबसे पहली घटना हुई है। इसका राइट आंसर सी होगा, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। जो फोटोग्राफी जो होता है उसमें मुख्य रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन है लाल, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। तो इसका राइट आंसर है सी, लाल, नीला, हरा, जो कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, लाल, नीला, हरा। नवा क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन है पिक्सल वाले रंगीन प्रिंट, बी ऑप्शन है पिक्सल के बिना रंगीन प्रिंट, तीसरा ऑप्शन है श्वेत श्याम प्रिंट, और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसका राइट आंसर है सी, श्वेत श्याम प्रिंट, जो कि फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है इसी की। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। हो सके तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियो को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.